पंजाब के सिविल और पुलिस इंतजामिया तब्दील करने का इम्कान। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल और आईजी पंजाब आमिर जुल्फिकार को तब्दील किए जाने का इम्कान है। जाहिद जमान को चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डॉक्टर उस्मान को आईजी पंजाब तैनात किए जाने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताइए किस हवाले से। पंजाब की सिविल और पुलिस इंतजामिया करने को भी हटाने का फैसला किया गया है। जाहिद जमान अख्तर को चीफ सेक्रेटरी पंजाब बनाए जाने का इम्कान है। डॉक्टर उस्मान को आईजी पंजाब जाने का इम्कान है। लाहौर जी हसन रजा साथ ही मौजूद रहिएगा। पंजाब के सिविल और पुलिस इंतजामिया तब्दील किए जाने का इम्कान है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल और आईजी पंजाब आमिर जुल्फिकार को तब्दील किए जाने का इम्कान है। जाहिद जमान को चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डॉक्टर उस्मान को आईजी पंजाब तैनात किए जाने का इम्कान है। जबकि सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाए जाने का भी इम्कान है। बिलाल सदीक म्याना को सीसीपीओ तैनात किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आला पंजाब या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला तैनात किए जाने का इम्कान है। पंजाब के सिविल और पुलिस इंतजाम तब्दील किए जाने का इम्कान है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल और आईजी पंजाब आमिर जुल्फिकार को तब्दील किए जाने का इम्कान है। जाहिद जमान को चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डॉक्टर उस्मान को आईजी पंजाब तैनात किए जाने का इम्कान है। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं। जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका।